इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में. डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ. दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. प्ले रिस्पॉन्सिबली. और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं. उदयपुर और अजमेर रेंज में सुबह सुबह पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है. दोनों रेंज के जिलों में चल रहा अपराधियों की धरपकड़ के लिए बड़ा अभियान. बड़ी संख्या में पकड़े गए आदतन और हार्डकोर अपराधी. सभी रेंजों के एसपी भी इस समय फील्ड में मौजूद हैं. रेंज आईजी अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई हो रही है. लगातार इससे पहले भी उदयपुर रेंज में दर्जनों अपराधियों को पकड़ा गया था. और देखिए इनका मकसद यही है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं अपराधों की, उनको कम किया जाए. और चलिए सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं. शिवेंद्र, आज भी कार्रवाई का दिन, बड़ा एक्शन देखा गया. किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया और कितने अपराधी अभी तक पकड़े गए हैं? देखिए राजस्थान पुलिस जो है वो लगातार आक्रामक अंदाज में अपराधियों के पकड़ के लिए काम कर रही है और हर रेंज में हर जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो आदतन अपराधी और हार्डकोर अपराधी हैं जो लंबे समय से पुलिस की पहुंच से दूर हैं और उनके जो रिकॉर्ड हैं वो कभी खराब हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है. और राजस्थान में अभी तक तकरीबन 10,000 लोगों को पकड़ा जा चुका है अलग अलग जिलों में, अलग अलग रेंजों में. तो इसी क्रम में सिखा आज का जो एक्शन है वो उदयपुर रेंज और अजमेर रेंज में हो रहा है. सुबह 5:30-6 बजे से पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है. सभी रेंज के जो एसपी हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, सब धरपकड़ कर रहे हैं. जो दोनों रेंज के आईजी हैं, आईजी उदयपुर रेंज और आईजी अजमेर रेंज, वो दोनों इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस मुख्यालय की भी इस अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि जो डीजीपी उमेश मिश्रा हैं उनके उनकी देखरेख में एडीजी क्राइम है दिनेश हेमन, वो इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उम्मीद है कि शाम तक जब दोनों रेंज की आईजी प्रेस से साझा करेंगे आंकड़े तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में जो अपराधी हैं वो इन दोनों रेंजों को पकड़े गए. शिवेंद्र, एक आपसे अहम सवाल ये भी कि दिनेश रेमन, जिनका 13 फरवरी का ही वो दिन जब एसीबी से एडीजी क्राइम पद पर उनका तबादला हुआ, उसके बाद लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं. अपराधियों में काफी खौफ भी है उनका और जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है वो भी काफी प्रभावित करती है. इसमें तो कोई दो राय नहीं, जो राजस्थान पुलिस ने एकदम से आक्रामक रुख अपनाया है, जो अपनी तबीयत से बाहर निकल कर काम किया है, उसका श्रेय जाता है दिनेश रेमन को. क्योंकि बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे कि जो राजस्थान का प्रदेश था वो अपराधियों के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल जगह बन गई थी, इसका खासकर जो दूसरे राज्यों के अपराधी हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वो आराम से राजस्थान में आते थे या अपराध करते थे और आराम से भाग निकलते थे. लेकिन अब जिस तरीके से दिनेश रेमन के आने के बाद क्राइम ब्रांच के देखरेख में जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं एसपी, आईजी और लगातार अभियान चल रहा है, ये सही है कि अपराधियों में सुरक्षित जगह पर जाने की भगदड़ बढ़ती हुई है. और हम देख रहे हैं कि काफी समय से जो बाहर की गैंग और गिरोह पहले राजस्थान में आके अपराध करती थी उनमें भी काफी कमी आई है. तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दिनेश रेमन कार्य. बिल्कुल शिवेंद्र, और ये कड़ा संदेश जाता हुआ अपराधियों में. बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए. आगे बढ़ेंगे उदयपुर से. खबर आपको बता दें, अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान अल सुबह से जारी है. धरपकड़ अभियान, हार्डकोर अपराधी, मादक पदार्थों, अवैध हथियारों की तस्करी सहित विभिन्न मामलों में शामिल अपराधियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है. संभाग भर में 1,000 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है. आईजी अजय पाल लांबा के निर्देशन में चल रही है कार्रवाई. सभी जिलों के एसपी सहित 6,000 से अधिक पुलिस कर्मी जुटे हैं अभियान में. और उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा मैसेज जुड़ गए हैं. रवि, देखिए ये बड़ा अभियान, क्योंकि इसके पीछे यही मकसद है कि लोग जो डरे थे, सहमे थे, कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए. क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई है और किस तरह से कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए दरअसल आज जो है अंत सुबह ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी. सभी जिलों के जो एसपी हैं उनको गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और आईजी अजय पाल लांबा इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. करीब 1,000 से भी ज्यादा जगह जो जहां पर दबिश दी गई ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स, इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल क्रिमिनल्स,
अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल क्रिमिनल्स और इसी तरह की मानसिकता वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। काफी बड़ी संख्या में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, अवैध हथियारों की भी बरामदगी की गई है। लेकिन इस सब पूरा जो डिटेल है इसका खुलासा तो आईजी आज दोपहर में करेंगे। लेकिन अब ये जो इस तरह के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं इनको लेकर ये जो पुलिसिया कार्रवाई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पूरे संभाग भर में जो है एक तरीके से कहें तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो और बेहतर बनेगी और यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेटर मेंटेन करने के लिए समय समय पर पुलिस इस तरह की कार्रवाइयां करती है। लेकिन संभाग भर में इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई जो की गई है इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलेगा। और मैं बताऊं आपको, इससे पहले उदयपुर शहर के जो 12 थाने हैं उनमें भी अब से कुछ ही दिनों पहले इसी तरह की कार्रवाई जो है वो की गई थी और काफी तादाद में जो क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। तो हार्डकोर क्रिमिनल्स और इस तरह के जो अनैतिक जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल जो क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये एक बड़ा अभियान है। बिल्कुल रवि, माना जा सकता है कि जो भी अपराधी जो लोगों का सुख चैन छीनते आए हैं अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।